नमस्कार, डेली न्यूज 360.com में आपका स्वागत है। फर्राटा धाविका भारत की हिमा दास ने अपने स्वर्णिम अभियान को बरकरार रखते हुए चेक गणराज्य में हुए टाबोर एथलेटिक्स मीट की 200 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीत लिया है, जो उनका पिछले 15 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में चौथा स्वर्ण पदक भी है। हिमा ने महिलाओं की 200 मीटर रेस में 23.25 सेकंड का समय निकाला। भारतीय धाविका को अधिकतर चेक खिलाड़ियों से ही चुनौती मिली, हालांकि वह अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 23.10 सेकंड से थोड़ी दूर रह गईं। अन्य भारतीय धाविका वीके विस्मिया ने सत्र का अपना सर्वश्रेष्ठ 23.43 सेकंड का समय निकाला और दूसरे नंबर पर रहीं। 19 साल की हिमा का यह पिछले 15 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में चौथा स्वर्ण पदक है। उन्होंने इस वर्ष पोलैंड में 2 जुलाई को हुई पोजनान एथलेटिक्स ग्रांड प्री में 200 मीटर रेस में 23.65 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद 7 जुलाई को उन्होंने पोलैंड में ही कुटनो एथलेटिक्स मीट में 23.97 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण जीता। हिमा ने इसके बाद 200 मीटर में अपना तीसरा स्वर्ण चेक गणराज्य की क्लाटनो एथलेटिक्स में जीता, जहां उन्होंने 23.43 सेकंड का समय निकाला। भारतीय धाविका से उम्मीद रहेगी कि वह आगे भी इस प्रदर्शन को बरकरार रखे, क्योंकि उन्होंने अब तक विश्व चैंपियनशिप की 200 और 400 मीटर रेस के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। वहीं पुरुषों में भारत के मोहम्मद अनस ने 400 मीटर रेस में 45.40 सेकंड का समय लेकर जीत दर्ज की, जबकि अन्य भारतीय टॉम नोवान निर्मल सत्र का अपना सर्वश्रेष्ठ समय 46.59 सेकंड लेकर दूसरे नंबर पर रहे। KS जीवन ने 46.60 सेकंड का समय लिया और तीसरे तथा MP जबीर ने 47.16 सेकंड का समय लेकर चौथे नंबर पर रहे। क्लाडनो में अनस ने 400 मीटर रेस में राष्ट्रीय रिकॉर्ड से बेहतर प्रदर्शन कर 45.21 सेकंड का समय लिया था और स्वर्ण पदक के साथ साथ विश्व चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई किया था। धन्यवाद।